अस्सलाम वालेकुम माय नॉक नॉक फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरा बचपन ज़्यादातर यूनिफॉर्म में गुजर गया, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि फैशन कोई चीज़ होती कि नहीं। हाँ, ये पता था कि क्लास फाइव के बाद पतलून पहननी है, शॉर्ट्स नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आगे मामू के कुर्ते जो कि घुटने तक वैसे ही थे ऑलरेडी, वही चलते रहे। उसके बाद ईद बकरीद पे ओवरसाइज कपड़े के बेटा अगले साल भी चलाने, और वो इतने साल चलते रहते थे कि स्लीव्स यहाँ तक आ जाती थी, लेकिन वही चलते थे। इसी तरह बड़े जूते, तो हमारे फैशन डिज़ाइनर थे डंडे के ज़ोर पे अम्मा और अब्बा। लेकिन आज हमारे जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान के मशहूर तरीन फैशन डिज़ाइनर हैं, दुनिया भर में जाने पहचाने जानते। ना सिर्फ फैशन डिज़ाइनर हैं, अदाकार हैं, फिल्म स्टार हैं। Knock knock. It's just fine. Wow. Usually, हम लोग सेट पे पहले आके देख लेते हैं। But I was in the back and I was in my मुझे पता था कि तुम कुछ करोगे। अच्छा, like it. कमाल है यार, अच्छा है, कमाल है। It's Mohib Mirza. Thank you. It is Mohib Mirza. Thank you so much. Welcome to the show. Thank you. You look amazing. Thank you. As always. नहीं यार, thank you. Very nice. Thank you. बहुत अच्छा, very nice. तो आपका अपना बनाया हुआ design? जी सर, जी जी. Absolutely. जी सर। पहली बार जिंदगी में किस डिजाइनर को पहना था? बचपन में तो पैसा ही नहीं था। डिजाइनर क्या हो, तो पुराने कपड़े मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। सही। मगर डिज़ाइनर में अपने आप को समझता था, पुरानी चीज़ें ली। उन दिनों में अम्मी, हम बाहर रहते थे तो अम्मी एक ग्रोसरी स्टोर पे भी काम करती थी, वहाँ मैं पुराने मैगजीन्स देखता था। ओके। पुराने मैगजीन्स को रख देते हैं, उसके अंदर मैं देखता था कि किस तरह लोगों ने किया हुआ है। मैं घर जाके वही अपनी पुरानी टी शर्ट को जोड़ के मैं कभी कैल्विन क्लाइन टाइप बना देता था, कभी मैं डोना कैरन टाइप बना देता था। तो मुझे लगा कि मेरे डिज़ाइनर तो सारे पहने हैं, मगर असल में पहना कोई नहीं, बनाया खुद ही। तो इस तरह इंस्पिरेशन मैगजीन से लेते चले गए। कहाँ बाहर कहाँ रहते थे? एक जगह नहीं रहे मोहब, हम बड़ी जगह रहे। अम्मी कभी अम्मी को कहीं जॉब मिल गई तो न्यूयॉर्क में रह लिया, कभी सैन फ्रांसिस्को चले गए, कभी लंदन चले गए, जहाँ काम की अपॉर्चुनिटी हुई। अम्मी खुद तो सीख रही थी, वो एक अम्मी का एक अलग मेरे अम्मी और अबू मेरे वाले सभी भी बहुत हुए कुछ महीने पहले, थैंक यू। वो कजन्स थे तो देर रजे हुए बड़े हुए थे, मगर अम्मी ने कभी वर्किंग लाइफ देखी नहीं थी, तो जिसकी वजह से जहाँ उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी हम वहाँ चले जाते थे। मगर ज़्यादातर मैं बड़ा हुआ हूँ न्यूयॉर्क में ही, वहाँ मैं ना सिर्फ पढ़ा हूँ मगर मैंने काम भी, सबसे पहली नौकरी भी वहीं की थी। राइट। नॉर्मली कहा जाता है कि कैंची ना चलाएं, घर में लड़ाई हो जाती, कभी हुई? अच्छा, मेरी और मेरी बहन की, एक ही मेरी बहन है, हमारी किटपिट चलती रहती है, पर हमारी दोस्ती बहुत है। वो लंदन में बड़ी हुई थी, मैं न्यूयॉर्क में, हम अलग अलग बड़े हुए। सही। तो वो ज़रा इंग्लिश टाइप है, बट अथॉरिटी ज़्यादा है उनकी, चलती उसकी अगर वो चाहे, अगर चलती उसकी अगर वो चाहे। और अभी भी वो मुझे मिलने आई हुई है, सारी उम्र बाहर ही रही है, अभी आई हुई है। मुझे लगता है कि शायद चलना उसका ये नहीं था कि उसकी उसकी डांट चलती है, मुझे लगता है कि वो प्यार ही इस तरीके से करती है कि लगता है कि वो डांट रही है या जो समझा रही है, मगर वो बड़े होके लगता है कि नहीं मैं गलत था, वो मुझे प्यार ही देती है। दोनों में से कौन अम्मी के बटवे से पैसे चुराता था? कोई भी नहीं। ओह, ओके। कोई भी नहीं। अफशा इसलिए नहीं, बिकॉज अफशा हमारे साथ ज्यादातर थी नहीं, और जैसे आई तो कॉलेज चली गई, जैसे कॉलेज से आई तो शादी हो गई। सही। तो हम उसको ये था ही नहीं। अच्छा, मैं तो अम्मी के बटवे में पैसे डालता था, तो मैं तो निकालने वाला तो था ही नहीं। 12 साल की उम्र में मेरी पहली जॉब थी, मैं प्रटेंड करता था मैं 16 साल का हूँ, मगर 12 साल की उम्र में मैं किसी बर्गर जगह पे फ्राइज बनाता था, लाइब्रेरी में काम करता था। मुझे एक थी नहीं आदत, मैं 16 साल की उम्र से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। 16 साल की उम्र से। क्या बात है, क्या बात है यार, वॉलेट देना मेरा, उसमें भी डालने। अच्छा, उसके बाद कब आपने फैसला किया कि मैं यहाँ, व्हाई पाकिस्तान देन? जब मैं 15 साल का हुआ तो तब हमारे ऐसी सिचुएशन हुई कि हमें जो हमारे जो पेपर्स थे वो कंट्री ऑफ ऑरिजिन पे आके आपको लेने थे। श्योर। तो मैं तब पहली दफा आया और हम आए थे सिर्फ 3-4 दिन के लिए। ठीक है। सिर्फ 3-4 दिन के लिए लाहौर। ठीक है। ना मुझे जबान आती थी, ना मुझे अंदाजा था कि कौन कौन है। तो जब यहाँ आए थे तो हम उस वक्त अब्बू जरा पावर में थे और कुछ ऐसी सिचुएशन हुई या करा दी गई
कि हम वापस नहीं जा सके. रियली? हाँ जी, आया था मैं सिर्फ 4 दिन की चीज़ें लेके, और फिर ऑफकोर्स जिंदगी मैंने यहाँ गुजार दी. मगर ये सब कुछ देखते हुए भी एक बच्चा जो अमेरिका में सारी जिंदगी बड़ा हुआ है, मुझे लगा जैसे मैंने पाँव रखा कि जैसे मैं घर आया हूँ. जैसे कि ये जगह मेरी है. जैसे इसकी हवा मेरी है, इसकी इसकी जो जो स्मेल है उसके अंदर, सबकॉन्शियस में मुझे लगा कि मैं घर आ गया हूँ. राइट. मैं बहुत जल्दी सीखा, फौरन उर्दू सीखना शुरू हो गया. मुझे याद है उन दिनों में हवा हवा गाना चलता था, और मैं बार बार सुनता था, कहता था इससे खुशबू लुटा दे. पाकिस्तान आई थिंक loved me. तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ आपको नहीं जाने दिया. हाँ, बिल्कुल अच्छा हुआ. ये तो बहुत अच्छा हुआ. बहुत अच्छा हो गया. ये भगवानपुरा क्या जगह है? क्यों? भगवानपुरा जी. हाँ, भगवानपुरा. वाह जी वाह, क्या बात है. जैसे हम लोग हम अराई हैं, अराई फैमिली, अराई कास्ट है. मियाँ मेरा एक्चुअल रियल नेम है मियाँ हसन शहरयार यासीन. अब मियाँ भी डाल देंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, हसन शहरयार यासीन. लेकिन मुझे बताएंगे ये जो आपने अभी अराई का जिक्र किया, इनका और प्यास का क्या ताल्लुक है? क्या कनेक्शन है? नहीं जी, कोई कनेक्शन नहीं है. कोई कनेक्शन नहीं है. सारी बातें जो राइन नू हाथ ना लगा सका वो गला करते रहते. कोई कनेक्शन नहीं. कोई कनेक्शन नहीं भाई. कोई जीरो. जीरो कनेक्शन है जी. आपने प्रिंसेस डायना की शादी अपनी अम्मा के कंधे पे चढ़ के देखी. बिल्कुल बिल्कुल. तो हम कब आपकी शादी कब देख रहे हैं? प्रिंसेस डायना को बुलाना था, वो अनफॉर्चुनेटली अब रही नहीं, तो शादी भी जरा आगे हो गई है. नहीं तो फिर मैं बच्चे कर लूँ फिर कंधे पे बिठा के. फिर खुशी से तुम्हें पता है. वो तो तुम्हें पता है खुशी से. प्रिंसेस डायना की भी बड़ी मजे की बात थी. जो जब मैं छोटा था और उस वक्त हम लोग पाकिस्तान से बाहर थे, तो हम पहले लंदन गए थे जहाँ अम्मी कुछ जॉब ढूंढ रही थी, और वहाँ शादी हो रही थी. द रॉयल वेडिंग वॉज हैपनिंग. अच्छा, मैं उनके कंधों पे था, बच्चा था, मगर मुझे अभी तक याद है कि उस कंधे पे चढ़ के जो एक एनर्जी थी, जो मिलियन ऑफ मिलियन लोग जो चीख रहे थे एक कैरेज के लिए, वो मुझे कभी भूली नहीं. और उस कैरेज में एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस, ना सिर्फ हमने सोचा कि होगी मगर दुनिया ने बताया कि थी. वो फुटेज तो देखी, लेकिन इमेजिन कि क्या वहाँ पे उस वक्त. मैं इतना छोटा था, मगर मुझे ये याद है कि मैं घर आते ही मैंने अपनी बहन की गुड़ियाँ ली और वाइट टिश्यू पेपर काट के मैं उसके ऊपर जोड़ के वो ड्रेस बनाना शुरू हो गया. बिकॉज मेरे दिमाग में हुआ कि वो एक ड्रेस ने इतना ज़्यादा लोगों को कर दिया, तो मैं भी कर सकता हूँ. अच्छा, क्या हुआ कि कुछ साल पहले, 3 साल पहले ही, उनके बेटे प्रिंस विलियम वो आए पाकिस्तान. पाकिस्तान आए, स्टेट डिनर हुआ. स्टेट डिनर पे 300-400 पाकिस्तान के टॉप लोग थे. बड़े-बड़े कोहिनूर नहीं लिया वापस? नहीं जी, कोई बात नहीं हुई. बहुत बड़े बड़े लोग थे. उसमें से उन्होंने कहा कि जी ये 12 या 13 लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, जिनसे ये सिर्फ अलग बात करना चाहेंगे और इनको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे. उनमें से एक मैं था. अच्छा, मुझे यकीन ही नहीं आया. मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है. मैं खड़ा हो गया, और जैसे वो आए तो उन्होंने कहा कि यू नो दिस इज हसन, ही इज़ नोन फॉर, उन्होंने बिजनेस क्रिएट की है, फैशन इंडस्ट्री क्रिएट की है, जो जो अब इस तरह की थोड़ी तारीफ हुआ. अच्छा हुआ, मैंने थैंक यू कहा, और हमें बताया गया था कि हमने आगे कुछ कहना नहीं है. ओके. अच्छा, मैं अपने आपको नहीं रोक सका. मैंने कहा जी मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, और मेरे हाथ फौरन आ गया आगे. उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी वालदा ने मुझे, जब क्योंकि मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं कुछ बन सकता हूँ. उसी इंस्पिरेशन से लेके मैं अपनी माँ से लड़ता लड़ाता, फैमिली से लड़ता लड़ाता, और फिर फाइनली उनके सपोर्ट की तरह मैं फैशन स्कूल जाने की कोशिश की. तो आपकी वालदा ने 1996 में इंटरव्यू दिया कि वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड नहीं बनना चाहती, वो क्वीन ऑफ हार्ट्स बनना चाहती हैं. राइट. और क्योंकि मैं मुश्किल सामना करने में इतना डरा हुआ था, मैंने कहा अगर ये औरत एक पूरे मुल्क को, क्राउन को छोड़ने के लिए तैयार है, तो मैं कौन सी लड़ाई नहीं लड़ सकता. मैं लड़ूंगा. और मैं लड़ के कॉलेज गया. 1997 मेरा पहला साल था, और मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, 4 जॉब्स ही नहीं दिया जा रहा था, और फिर मैंने छोड़ दिया फैशन स्कूल. उसी साल आपकी वालदा फौत हो गई. उनको उसी चीज़ पे जिससे वो रुकना चाहती उसे भागते हुए वो मर गई. मैं वो चीज़ देख के वापस कॉलेज गया. मैंने 4 जॉब्स ली और मैंने ख़त्म किया. मैंने कहा इस साल मेरे 25 साल गिराए, 25 साल से मैं फैशन पे हूँ, और कौन आके मुझे बता रहा है कि मेरा काम अच्छा है? उसी औरत का बेटा. तो अगर ये एक खूबसूरत चीज नहीं है तो क्या है? और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी. अच्छा, लेटली मैंने नोटिस किया शेर कि
चूंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है, तो जब हम ऑन द जॉब होते हैं तो फॉर एग्जांपल किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी शख्स है, वार्डरोब हो या स्टाइलिंग हो या मेकअप आर्टिस्ट हो, वो सब जो हैं खुद इतना मसरूफ हो गए अपनी फुटेज बनाने में, तो क्या हम काम तो नहीं भूलते जा रहे हैं अपना? सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, मगर बहुत से ऐसे लोग स्टार बनते जा रहे हैं जो एक्चुअल स्टार हैं नहीं, और बहुत से ऐसे लोग जो स्टार हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो गायब होते जा रहे हैं। ये अब आपको एक्चुअली नजर भी आ रहा होगा हमारे स्क्रीन पे, हमारे टेलीविजन पे, हम बहुत से ऐसे लोगों को क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं उनको मौके दे देते हैं, साथ साथ मुझे लगता है कि उस नंबर्स बनाने में लोग इतने मसरूफ हो चुके हैं कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट जरा सा कम हो चुका है। अच्छा जी, आपके लिए किरदार लिखा गया, ओ आपके पास एक शख्स आया, उसने कहा कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, आप ओके करें, आपने ओके किया, फिर वो किरदार लिखा गया, डिजाइन किया गया, क्या आपकी फीलिंग थी, क्या क्या सारा एक्सपीरियंस बताएं? मैं तुम्हें जानता नहीं था, सही, तो मुझे लगा कि शायद तुम पागल हो। तो तुम्हारी फिल्म में एक और भी बहुत बड़ी स्टार थी और उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने सनम को फ़ोन किया, मैंने कहा सनम सो मोहिब इज कॉल्ड एंड ही इज राइटिंग दिस, आई इज ही क्रेजी बिकॉज मैं तो डिज़ाइनर हूँ और मैं ना सिर्फ डिज़ाइनर हूँ, मैं इस तरह का डिज़ाइनर हूँ जो कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी अपनी लुक अपनाई है, मैं चेंज नहीं करता अपने आप को किसी के लिए, मैं अपने आप को बदलता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ जिस तरह मैं हूँ टेक इट, डोंट वांट टू टेक कंसिस्टेंटली एक ही एक तरह हूँ। ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी, हमारे घर में एक द्वार है उस पर अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं, आप श्योर आपके घर में भी होगा, सारे स्टार्स के घर में होता है। अम्मी ने मुझे जब गिन के बताया, मैंने कहा कि कितने अवार्ड्स हैं जानते हो? मैंने कहा नहीं, उस वक्त 36 थे आपने जब पूछा था। मैंने कहा वाह क्या बात है। अम्मी ने कहा 36 अवार्ड, जब तुम्हारी ज़िंदगी खत्म होगी किसी को याद नहीं रहना, उनको सिर्फ ये याद रहना कि तुम एक अच्छे इंसान थे, नहीं अच्छे थे इखलाक थे या नहीं इखलाक था, तभी वो तुम्हारे बैरियल पे आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे तुम्हारे अवार्ड्स के लिए। तुमने जिंदगी से क्या कमाया है? तो मैंने कहा अम्मी मुझे फिल्म आई। मैं अम्मी कहती है अगर तुमने अपॉर्चुनिटी ना ली तो तुम बेवकूफ़ हो, किसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? तुमने खुद अपने स्टंट्स करने हैं, मोहिब मिर्ज़ा के साथ तुमने थाईलैंड जाके कोविड में फंसना है, जाओ। और मैं गया एंड इट वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मोहिब आई हैड इन ऑल द difficult times that we did that film, and difficult times not in because what was happening outside, ye film asaan thi nahi, I think logon ko ek samajh nahi hai ki iske andar mehnat kitni thi, humne teen filmon ke barabar film thi, teen hamari jo mujhe yaad hai 45 days ke liye to sir humne wo fight sequence shoot kiya tha jo in total film mein 20 minute ka hai, exactly itni detail mein ji, main tumhe kehta ki tum ek acche director nahi ho agar tum mere parts mujhe sahi tarike se na karate। अब मैं आपको बताऊं कि क्या होता था कि सेट था बहुत बड़ा, हम लोग मलीर पे शूट कर रहे थे, गर्मी, लेदर के कपड़े पहने हुए, आउटडोर कभी बारिश कभी कीचड़ कभी कुछ, और मोहिब एक और हम तारों में लटके हुए, हाँ, और मोहिब ऊपर से बहुत फिनिकी है अपने शॉट्स के बारे में, तो उसने 4 एडीज रखे हुए थे जो चारों एडीज शॉट देखते थे और आगे फिर डिसाइड करते कि करने या नहीं करनी। उस स्ट्रेस में आप जब आप खुद अपने शॉट दे रहे हो, अपने बाल ब्लो ड्राई भी कराए हो, आपने पकड़ा भी उसे भी पकड़ा हो, देख रहे हो कैमरे के एंगल क्या है, उसको तोड़ के डायरेक्टर बन के आके कहना अब शेरू अब आपने क्या करना है, बहुत। सो यू हैड मी देयर। सो आफ्टर दैट डायरेक्टर रिलेशनशिप दोस्ती लव क्या है, ट्रस्ट। Absolutely. जब आप ट्रस्ट कमा लेना, आपका बंदा आपका डायरेक्टर आपकी बीवी आपका दोस्त आपको चाकू भी बार ले आए ना, तो आपको ट्रस्ट होगा कि देयर इज प्रॉबली अ प्लान हियर, एग्जैक्टली कोई विजन है, कोई विजन है, एंड यू हैव टू ट्रस्ट द विजन, श्योर व्हेयरएवर इट टेक्स यू। सो नो आई हैव नथिंग टू से, द ओनली थिंग आई विश इज दैट आई वाज इन द फिल्म मोर, मुझे लगता था कि मुझे और होना चाहिए था। तो आप क्या करते हैं जब आपका क्लाइंट नहीं समझ पाता आपका विजन, कैसे आप समझाते हैं फिर, वो एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल है? बहुत प्यार से, हाँ, बिकॉज विजन एक ऐसी चीज़ है, अगर मेरा कोई क्लाइंट आया मेरे पास और वो ऐसी कोई चीज़ मांग रहा है जो मैं नहीं बना सकता, सबसे पहले तो मैंने उनको एक्सप्लेन करना कि मैं कौन हूँ और आप आए कहाँ हैं, मगर इस तरीके से नहीं कि आपको नहीं पता, आपने उनको एक जरा आपने सोचना है कि वो इंसान आपको जानता ही नहीं है, बिकॉज इस फील्ड में क्या होता है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं, हमें तो 30 साल हो गए, मगर फिर भी कुछ लोग आपको नहीं जानते, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते यार तू तो जानता है मुझे, पहले आप एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ये कर सकता वो नहीं कर सकता। ये बड़ी एक सेंसिटिव स्पेस है, अगर तुम फिर से करोगे तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई थिंक दैट यू आर पॉइज्ड फॉर इट। अरे थैंक यू सो मच, मेरे कहने पे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, आज ये मुझे पंजाबी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। ओ हो जाए फिर, ये मौलिया मैं तेरी पक्की पक्की मशहूक हूं, अंग्रेजी में बोले ओ मौलिया I am your cooked forever cooked
ਮਸ਼ੂਗਨੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਲਵਰੀਆ 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 ਫੁੱਲੀ ਕੁਕਡ ਲਵਰੀਆ ਓਕੇ ਜੀ ਕਦੀ ਫਨੀਅਰ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦੇ ਫਨੀਅਰ ਸਭ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਫਨੀਅਰ ਸਭ ਆ ਰਹੀ ਤੁਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਕੀ ਆਡੀਅੰਸ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ वाह वाह ये तो वो हमारे पास हर हम सबकी आस्तीनों में बहुत से होते हैं हाँ आस्तीनों में इधर उधर हर तरफ है पार्टीज पे तो इन सांपों का कभी सर झुकाए ओ नहीं जी सर कभी नहीं झुकाया सर नहीं कभी झुकाया ह्यूमिलिटी से ह्यूमिलिटी से सलाम दुआ जरूर की है किसी को नीचे कभी फील नहीं कराया मगर जिसने मुझे डसा है उसको मैंने 15 दफा वापस डसा ये मैं आपको मैदान निच जित सर झुका के माफी मांगन वाले दीन नहीं क्योंकि अगर तुम अब सॉरी हो तो सर उठा के अगर नकली सॉरी कह रहे हो हाँ जी तो फिर दफा हो जाओ यही है हाँ जी सर उठा के देखिए ईगो का मसला कहीं नहीं आना चाहिए नहीं तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे तो ये कह ही नहीं सकते ओ क्यों तो कह ही नहीं सकते क्योंकि मुझे क्या मैदान निच जित सर झुका के माफी मांगन वाले दीन नहीं To say sorry with your head held high means nothing. चले छोड़े यार मैं आपको एक ऐसा डायलॉग देता हूँ ये देखिए हर तरफ फैल जाओ एक एक बात मालूम करो उसके बारे में कौन है वो कहाँ से आए और सबसे बढ़ के उसकी कमजोरी क्या है 3 दिन है तुम्हारे पास लेकिन ये बोलना चाइनीज में जब तक ये चाइनीज फिगर आउट कर रहे हैं HSY आज हमारे साथ हैं स्टे विद अस विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर अच्छा जी गन पॉइंट पे यूजुअली फोन छिनता लेकिन गन पॉइंट पे अगर आपको शादी करनी पड़ी तो किससे करेंगे आई वुड चूज महवेश फॉर श्योर बिकॉज मुझे लगता है कि दोस्ती सबसे जरूरी चीज है किसी रिलेशनशिप में भतीजे बागबान पूरा के अंदर हमने खुद देखा कुछ अंग्रेज इनसे पंजाबी में बातें करने लग गए थे मेरे वालिद साहब जब फौत हुए मुझे लगा कि मुझे और बहुत कुछ कहना था बहुत कुछ समझना था बहुत कुछ सुनना था वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो एंड वी आर सेलिब्रेटिंग HSY टुडे आप कैसे हैं ठीक हैं कैसा जा रहा है शो बहुत अच्छा हूँ बड़ा मजा आ रहा है मेरा दिल नहीं कर रहा कि शो खत्म हो बिल्कुल नहीं होगा अब जो हम खेल आपके साथ खेलने जा रहे हैं ये दुनिया में किसी शो में आज तक नहीं हुआ और उसको कहते हैं रैपिड फायर नहीं कभी हुआ ही नहीं है बिल्कुल नया है ओरिजिनल है बिल्कुल न्यू गिफ्ट हैम्पर ना देना अच्छा जी HSY का फेवरेट डिजाइनर कौन है पाकिस्तान में सना सफीनास और इंटरनेशनली टॉम फोर्ड आप मेरी इस वार्डरोब को आउट ऑफ 10 रेट करें मैं इसको 8.5 दूंगा मुझे मोनोक्रोमैटिक बहुत पसंद है ओके नॉट बैड चलें जी मेरे साथ गुड अरेंज द फॉलोइंग एक्टर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट ओहो बिलाल अब्बास खान वहाज अली अहमद अली अकबर मोहिब मिर्जा बिलाल के मैंने देखे हुए ड्रामे यार वो इतना कन्विंसिंग है कि वो सीन चोरी कर लेता है वहां तो आजकल छाए में मोहिब साहब आप भी फिल्म में आते हैं तो एक्ट्रेस कम ही लोग देखते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है और रह गया अहमद अली अकबर यार वो लड़का खुद इतना अच्छा है सच नाइस गाय मगर वो थिएटर में भी कमाल है और वो टेलीविजन में भी कमाल है और मुझे लगता है वो फिल्मों में भी कमाल होगा भाई मैं 4 हो गया चले अब बाकी 1, 2, 3 कर दें वाजवान 4 तो नहीं हो सकते वाजवान मोहिब 2 अहमद अली अकबर 3 बिलाल बास 4 जस्ट बिकॉज ये मैंने ड्रामे भी देखे सो सॉरी गाइज सो सॉरी नहीं ये सच नहीं है जब मैं आपके शो में आया था आपने मुझसे एक सवाल किया था कि एक एक्टर जो तुक्के पर इंडस्ट्री में आया हो मोहिब जिस जमाने में तुमसे मैंने पूछा था ना उस वक्त हम लोग इन चीजों से बड़ा इंप्रेस होते कि नया इंसान आया अब हमारी ऑडियंस फर्क हो गई है बहुत ज्यादा तेज है उनके पास हर चीज का ओपिनियन है और होना भी चाहिए क्योंकि आप टेलीविजन को दिखा रहे हैं बीच में उनको 15-15 मिनट के एड्स दिखा रहे हैं जो देख रहे हैं जिसके ऊपर आप पैसे कमा रहे हैं अब आपने कमाना ही है तो उनको वो चीज़ दें जो उनको अच्छी लगे मेरे ख्याल से वो जो वक्त था जब बड़े बड़े एक्टर्स आई मीन अभी तक सानिया सईद जैसा वी नीड ठहराओ एंड आई थिंक वी नीड दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एज़ वेल बट यही मैं कहूँगा हाँ जी बड़े ज़्यादा तुक्के पे और उतने जल्दी आपका टाइम
खत्म हो जाएगा। शेल्फ लाइफ तो जी इस वक्त बहुत छोटी है, बिकॉज इतने नए लोग आ रहे हैं, मगर इतने लोग आते हुए भी जैसे आपने नाम लिए ये भी नए आए थे, मगर ये हमारे दिल में बस बस गए। गुड परफॉर्मेंस आपको दिल को छूती है, दिल को छूने वाली परफॉर्मेंस हमें और चाहिए। और इस सेगमेंट का नाम चेंज करके मैंने रखा इंतहाई रैपिड फायर। लॉन्ग सोचा हुआ आंसर रैपिड फायर। ठीक है जी, HSY पे बायोपिक बनेगी तो एक्टर कौन होगा? क्या नाम है उसका? जेसन सैरम। ओ वाह भाई। और पाकिस्तान में? द वन हु वाज इन आयरन मैन। फरहान ताहिर। ग्रेट चॉइस भाई, एक्सीलेंट एक्टर। Arrange the following designers from best to worst. Oh, oh, oh. अच्छा जी, HSY, Fahad Hussain, Zainab Chutani, Asim Jofa, Deepak Parwani. सारे ही दोस्त हैं। सारे दोस्त हैं। HSY. Okay. Zainab Chutani, Fahad Hussain, Deepak Parwani, and Asim को इसलिए नहीं कह रहा, Asim is a ready-to-wear designer. वो ज़्यादा ready-to-wear करता है। Weirdest rumor जो आपने अपने बारे में सुनी हो? कि मैंने अपनी मैंने कुछ दिन पहले थोड़ा सा वेट लूज किया था आपकी फिल्म के लिए, तो मैंने मुझे किसने रोक के पूछा था कि यार वो स्कार्स दिखाओगे, मैंने कहा किस चीज़ के स्कार्स? वो जो तुमने दो पसलियाँ निकाली हैं। ये एक रूमर था कि जो मैंने फिल्म के लिए दो पसलियाँ निकाली है जिसकी वजह से मेरा पेट जरा और अंदर हो जाए। भाईजान विलन का रोल था, नागन का नहीं था। दो था नागन का ही। उसका सिंबल सांप ही था। ठीक बात है। मैंने तो बहुत से लोगों को मिला हुआ हूँ, जब मैं कहीं मैं बहुत ज्यादा ट्रिप्स करता हूँ मार्केट के, शलवार कमीज पहन के, कभी टोपी पहन ली, कभी चादर उड़ा ली, गेटअप करके मैं जाता हूँ जरूर देखने के लिए कि मेरे कपड़े कौन कौन छाप रहा है। मगर वहाँ जो मैं स्टोरियाँ सुनता हूँ कि मैं HSY को कोई डिजाइन है, वो कहते शेरू 1 पे गई ढग, शेरू 3 पे गई ढग, कहते जी ये शेरू साहब ने बनाई थी जिस दिन उनके वालिद साहब बीमार हुए थे, तो वो जब अंदर जा रहे थे उनको ब्लू नजर आया और ये ब्लू इसलिए बनाया। अच्छा, और ये वाला, अच्छा जी ये बड़ी इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है। उनकी जब नीस थी ना जी, जिसका नाम है और नाम ही गलत रीना मीना, जब वो कॉलेज गई थी अमरीका में, जो अमरीका गई नहीं वहां गई थी, तो उन्होंने जब पौधों का रंग देखा तो ये ग्रीन वहां से आया था। मैंने कहा सेल्समैनशिप देखें, वाह वाह, स्क्रिप्ट समेत ना सिर्फ स्क्रिप्ट, पूरी इमोशनल स्टोरी। अच्छा जी, गन पॉइंट पे यूजुअली फोन छिनता, लेकिन गन पॉइंट पे अगर आपको शादी करनी पड़ी तो किससे करेंगे? आई वुड चूज महवेश फॉर श्योर, बिकॉज मुझे लगता है कि दोस्ती सबसे जरूरी चीज है किसी रिलेशनशिप में, और वी डोंट हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, मैं बहुत क्लियरली आपको बताता चलूं, मगर हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है और मुझे बहुत पसंद है। तो महवेश बहुत बहुत मुबारक हो, आप जिंदगी भर के कपड़ों का मसला हल हुआ। शेरू इज अबाउट टू घेरू। अरे भतीजा, भतीजे हम परेशान हो गए भाई, भाई ये जरा धागे के अंदर सुई डाल दो यार। बेटा सुई में धागा डाला जाता है। मुझे क्या पता भतीजे, मैं कौन सा HSY हूँ। सही बात, सही बात। ये मुंह बोले हमारे चाचा हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा साहब। अरे हमें तो लगा कि कोई तुम्हारे दोस्त बैठे हुए हैं। तो मेरे दोस्त ही बैठे हैं। अरे तुम HSY आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। HSY, क्या हाल है आपके? हाय हाय, हम आपके इतने बड़े फैन, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। अंग्रेजी में आगे फौरन। कभी जिंदगी में नहीं आए, लेकिन आपके पास आते ही निकलने लग गए। ये होता है भाई, ये भतीजे कमाल के डिजाइनर तो हैं ही, लेकिन अंग्रेजी ऐसी बोलते हैं कि अंग्रेज भी आके इनको बोलने लगते हैं कि भाई इतनी सारी अंग्रेजी कहाँ से सीखी है, तो हमें भी नहीं आती। भतीजे बागबानपुरा के अंदर हमने खुद देखा, कुछ अंग्रेज इनसे पंजाबी में बातें करने लग गए थे। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, सबसे अच्छी भतीजे, वो है इनका नाम। मैं इनके नाम का बड़ा फैन। क्यों ऐसा? क्यों नाम भाई? क्योंकि ये दुनिया के वाहिद डिजाइनर हैं जिन्होंने अपने आप से एक सवाल किया है। अरे वाह, हसन शहरयार यासीन। देख लो भतीजे, तुम एक हमसे नहीं निभा पा रहे, और एक ये कि पूरे शहर के यार बने फिर रहे हैं। शहरयार का मतलब शहर का यार नहीं होता, माइंड मत कीजिएगा, ये मेरे आसीन के चचा हैं। शहरयार दो होते हैं, एक होता है शहरयार जिसके स्पेलिंग SHERYAR है,
जो मतलब होता है शहर का यार, और मेरा नाम है फारसी का शहर यार जिसका मतलब है बादशाह। हमारा भी फारसी में जो नाम है ना नवाब, उसका मतलब है बादशाह से भी बड़ा। जी जी आस्तीन के लगा। एक सेकंड, फालतू की लंबाई नहीं करें, काम किया जल्दी बताएं। देखो भतीजे, इतने बड़े डिजाइनर आए हुए हैं तो लगे हाथों हमारी तीन ख्वाहिशात पूरी करवा दो। बेटा वो डिजाइनर हैं, वो चिराग के जिन नहीं है। देखे, देखे, सादा सी है। पहली तो ख्वाहिश ये है कि अगर HSY एक शादी का जोड़ा बना देते तो क्या हकीम मिल गए असली वाले। देखो भाई, इस फ्लोर के ऊपर ना दो ही हैंडसम एलिजिबल बैचलर्स हैं। वाह, माशाल्लाह, काम। एक तो हम हैं और दूसरा HSY। एलिजिबल बैचलर्स तो हो गए। हाँ। लड़की वो आपने कहावत तो सुनी ही होगी जो इनकी वजह से बनी। हाँ बताइए। हंसी तो फंसी। समझे, हंसी फंसी। देखो वो हंस रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन बदतमीजी की ना, मेरा पांव कटवा देने। हाँ बदतमीजी नहीं मेरे गेस्ट से। दूसरी ख्वाहिश बताएं। वो हमको कैट वॉक सीखनी है आपसे। देखिए इसका हमें कैट तो आता है। म्याऊ। आपने सुना होगा मैं गली से गुजरा और पीछे कुत्ते लग गए। ये गुल गली से गुजरते हैं या गली में कुत्तों के पीछे ये पड़ जाते हैं। कसम से झूठी बात है कि कुत्ते वफादार होते हैं। हमने उनको इतना प्रॉमिस करके कहा था हमारी शिकायत नहीं लगाना, और गली के कुत्ते म्युनिसिपैलिटी को हमारी शिकायत लगा देते हैं कि चाचा पीछे भागता रहता है। वो कुत्ते भाग रहे होते हैं, कह रहे थे भागो भागो कहीं चाचा की मौत ना मर जाए। कुत्ते इतने लोगों को तंग करते हैं, कोई बदले लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो आप उनको कहा करें तुम बहुत कुत्तू हो। नहीं, हम अपने स्टाइल से यही कहते हैं। तीसरी विश में एक और इंसान का अमल दखल है। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं, वो मॉडल बनना चाहते हैं। अगर बना दीजिए तो हैं, वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आ जाए भाई साइंसदान साहिब, थोड़ा म्यूजिक। मुझे मॉडल बना दो, मुझे मॉडल बना दो, मुझे ब्राइड के कटोरे करा दो। कटोरे? नहीं नहीं, क्या होता है? ओ ब्राइडल कुचोरे। ब्राइडल कुटोर। कुटोर के कटोरे करा दो। मुझे मॉडल बना दो। आप तो बने बनाए मॉडल हैं। आप तो बने बनाए पूरा 1970 का मॉडल है। इस वक्त इस एज के ब्रैकेट के मॉडल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वालिद साहब के बड़े रोल्स होते हैं। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल मॉडल बन जाएंगे। हाइट भी आपके पास माशाल्लाह। दरअसल मुझे मुझे लड़की को इम्प्रेस करना ही है। उल्टा कुचोर कोतवाल को डांटे। लेकिन आप दोनों को शर्म नहीं आती ये कम से कम सोचते हुए भी कि कहीं लड़की हाँ ही ना कर दे? ना। अच्छा याद दिला, अच्छा याद दिला, अच्छा याद दिला। उन सड़कों कैटवॉक करके दिखाओ। जाओ 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 कॉमेडी। इज्जत माँ मोहतरम दिल पसंद गुल बदन गुले बाहर दिले शीरी बाहर शीरी अल शीरी और हसन। भाई चेक रेडी करें भाई का। वो कर दीजिएगा। हाँ। अच्छा देखे भाई, आपने आज तक जितने भी डिजाइन बनाए ना, जितने भी आपको उसकी कमा, आपको आपको उस 2500 रुपए की कसम जिससे आपने स्टार्ट किया था। एक सेकंड दूरो, इसको कैटवॉक सिखा दीजिए। भाई दो जुमले बताएं, फारिग करें इनको। चल जी, जी। आइए अब क्या होगा, क्या होगा कैटवॉक करने के लिए कुछ चीज की जरूरत नहीं है। आपने सीधा खड़ा होना है, शोल्डर्स के पीछे करें, शोल्डर शोल्डर के पीछे करें,
वापस आ जाए, नहीं वापस आ जाए, माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो गए, एक्स्ट्रा इस तरह हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अच्छा ठीक है, उसके अलावा बहुत से लोग शोल्डर को इस तरह कर लेते हैं, आपने शोल्डर को साइड पे गिराना है जैसे कि साइड पे गिरे हुए। अच्छा, कदम रखते हुए कोशिश करें कि आइए कदम रख के दें। अच्छा, कदम रखते हुए जब जाएं तो आपने शक्ल सीधी रखनी है, नीचे नहीं गिरानी, साइड पे नहीं लेके जानी, ये नहीं करना ये कैटवॉक है, ये फिल्म का सेट नहीं है, सीधा देखना है, डायरेक्टली आपके आगे कैमरा मैन है और आपने चलना है इस तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो डर सिखाते सिखाते आप खुद नहीं भूल जाए, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। नहीं देखो हम कितना अच्छा सीखे, कंधे खोल दिए, मुंह ऊपर सीधा कर दिया, कैटवॉक। आइए शेरू आपको यहाँ ले चलते हैं जहाँ हम बैठ के जरा एक एक दो दो दिल की बातें कर लें। अच्छा, आपके साथ HSY के पूरे करियर में ऐसा कोई मौका आया कि जब बिल्कुल होप खत्म हो चुकी थी, या कोई बात, कोई ऐसा फियर, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई भी बात ऐसी जो तकलीफ दे रही हो जिंदगी में आगे बढ़ने में? मुझे सिर्फ एक चीज़ की रिग्रेट है कि इवन तो हम लोग इतने क्लोज नहीं थे, मेरे वालिद साहब जब फौत हुए मुझे लगा कि मुझे और बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ समझना था, बहुत कुछ सुनना था। ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि इतनी तेज़ रफ्तार से गुजरती है और कभी जब टूटे हुए घर जब बिखर जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए जो इंसान बीच में होता है ना, वो बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत सवाल होते हैं, बहुत सवाल होते हैं, बहुत मैं कहना भी बहुत चाहता था, माफ़ी और देना चाहता था, प्यार और दिखाना चाहता था। सो इट वॉज इट द सेपरेशन, I grew separately. मैं अपनी माँ के साथ बड़ा हुआ था, वालिद साहब के साथ हमेशा हमारी ज़रा डिस्टेंस रहा बहुत ज़्यादा। फिर वो जब बीमार हुए पिछले आखिरी 10 साल तो मैंने उनका ख्याल किया, उनका इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक महा इंसान हूँ, इसलिए कि वो मेरी ड्यूटी थी, वो मेरा फ़र्ज था, वो मैंने ही करना था। और जब मेरे पास आए तो मैं जानता था कि उनके लिए मुश्किल था, मगर उस वक्त में I should have asked him more. एक्सप्रेस करना था, गुस्सा भी, प्यार भी, होप्स भी, सवाल भी सुनना चाहता था कि वो सच्ची मुच्ची सोचते हैं कि हाँ उनके बेटे ने अच्छा काम किया, और शायद उन्होंने अपने तरीके से बड़ी दफ़ा काम, अगर उसकी आवाज़ जितनी मुझे आनी चाहिए थी शायद मैं उसको आवाज़ को उसको अहमियत नहीं दी। हाँ यही है, मैं काश अगर वक्त में पीछे जाता तो मैं थोड़ा सा उनको और ज़्यादा मोहब्बत देता, मगर अब वक्त जा चुका है और बस यही है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे इंशाल्लाह और बेहतरीन आला मकाम पाएँ वो, मेरी ये तह दिल से दुआ है। बहुत शुक्रिया, आमीन। हसन शहरयार यासीन जी, सर आपने ज़िंदगी में जो कुछ अचीव किया, आप जहाँ तक पहुँचे, आपने इंटरटेनमेंट वर्ल्ड को जो कुछ अपना एंगल दिया, जो आपने फैशन वर्ल्ड को हमें जो कॉन्ट्रीब्यूट किया, इन सारी चीज़ों को मैं सेलिब्रेट करता हूँ। आई रियली लव यू, वी लव यू, कीप शाइनिंग एंड खूब तरक्की पाएं, सारे ख्वाब पूरे करें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस शख्सियत को हम ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं उनको पूरा पाकिस्तान TJs के नाम से जानता है, यानी कि तनवीर जमशेद, जो कि प्रॉब्ली पाकिस्तान के वन ऑफ द फर्स्ट फैशन डिज़ाइनर्स में से हैं। अनकही, तन्हाइयाँ, किरण कहानी और दीगर बेशुमार टेलीविज़न के शोज़, पब्लिक फिगर्स, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ हों, जिस तरह के शोबे का फैशन डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट थी उस वक्त, चाहे शेरवानी हो, शलवार कमीज़ हो, जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने शलवार कमीज़ इन्वेंट नहीं किया है, सिर्फ इसको फैशन के तौर पर प्रेजेंट किया है। तनवीर जमशेद अर्ली 80s 90s में सिर्फ हमने इन्हीं को फैशन डिज़ाइनर के तौर पर जाना, एक अमेजिंग फैशन लेगेसी, आज उनको सेलिब्रेट करते हैं, हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है और मैं चाहता हूं कि हमारे यंगस्टर्स को भी उनके बारे में पता हो। उनकी लेगेसी को कंटिन्यू कर रही हैं उनकी साहबजादी फिया जमशेद। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तनवीर जमशेद। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच HSY एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, खुदा हाफिज, गुड नाइट। पे दस्तक देता हूँ।
अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ।